हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 7.6 का 7 और 8 क्वेश्चन करवाएंगे। राइट, 1 से लेके 6 क्वेश्चन मैं पहले की दो वीडियोस में करवा चुका हूँ, तो डेफिनेटली अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो जाके देख लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया हुआ है, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट्स हैं, लेकिन हम सबसे पहले सेकंड पार्ट करेंगे क्योंकि 7th का फर्स्ट पार्ट, 8th क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स सिमिलर सिमिलर हैं, एक ही कंसेप्ट पे पूरे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट ही डिफरेंट है, तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 7th का सेकंड कहता है इंटीग्रेशन करिए। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें 7 के सेकंड में इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना है डीएक्स के डिनोमिनेटर में एक्स एडिशन 1 होल पावर 2 मल्टीप्लाई एक्स पावर 2+1 का, ठीक है भाई। ये हमें इंटीग्रेट करना है और चेक करना है आंसर क्या बनेगा। और जैसे ही हमने क्वेश्चन नोट करा, आपके माइंड में बात आ जानी चाहिए कि जो सेकंड फैक्टर है, ठीक है, ये वाला जो सेकंड फैक्टर है ये तो नॉट फैक्टराइजेबल है, हम इसके फैक्टर नहीं बना सकते। राइट, इसके फैक्टर बिल्कुल भी नहीं बनेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, अगर माइनस होता तो डेफिनेटली a+b a-b हो जाता, लेकिन प्लस की वजह से फैक्टर नहीं बनेंगे। तो जिस डिनोमिनेटर का फैक्टर नहीं बनता उसमें हम न्यूमरेटर में लीनियर फैक्टर नोट करते हैं, ठीक है भाई, लीनियर फैक्टर नोट करते हैं, तो इसी वजह से ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 का ही फर्स्ट की बात करें तो वो इसके जैसा नहीं है, सिर्फ पूरी एक्सरसाइज में यही एक क्वेश्चन है जिसका फैक्टर नहीं बनता है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सारी बातें आपको समझनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम एज्यूम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो वी आर एज्यूमिंग 1 डिवाइडेड बाय जो x+1 का होल पावर 2 है और साथ में x पावर 2+1 है, इसकी टोटल वैल्यू इक्वल है। देखो भाई, ये तो डिग्री 2 है, डिग्री 2 के क्वेश्चन हमने आपको लास्ट वीडियो में करवाए थे, तो डिग्री 2 की कंसेप्ट कहती है पहले सिंपल लिखो फिर डिग्री 2 बना के लिखो, ठीक है, पहले सिंपल लिखो फिर डिग्री 2 बना के लिखो। तो सिंपल लिखने का मतलब है x+1 ही रहने दो, डिग्री 2 बनाने का मतलब है x+1 पावर 2 कर दो। राइट, पहले सिंपल फिर डिग्री 2, तो सिंपल के ऊपर न्यूमरेटर में ए और डिग्री 2 के न्यूमरेटर में बी आएगा, फिर इसमें एडिंग करेंगे, ये क्योंकि फैक्टर नहीं बन सकता तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है लीनियर फैक्टर आएगा, तो डिनोमिनेटर में आप नोट करेंगे x पावर 2+1 और यहाँ पे न्यूमरेटर में एक लीनियर फैक्टर आएगा, तो ए और बी हम नोट कर चुके हैं, लीनियर फैक्टर विल बी cx एडिशन में डी, ठीक है भाई, क्या बन गया आंसर हमारा, cx एडिशन में डी। और जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ना ऐसे x2+1 डिवाइड बाय मतलब न्यूमरेटर में cx+d, तो ध्यान रखेगा यहाँ पे डी का वैल्यू 0 रहता है, ठीक है, डी का वैल्यू ऑलवेज 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 इस टाइप के क्वेश्चन में क्या रहता है, 0 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे वी नो डी इक्वल टू 0, ठीक है, आप यहाँ पे इसी तरीके से अपने एग्जाम में लिखेंगे, आपको मालूम है जो वैल्यू ऑफ डी है उसका आंसर 0 है, सो अब ये चेंज हो जाएगा, बनेगा 1 के डिनोमिनेटर में x+1 का होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x पावर 2+1 का जो आंसर है वो ए के डिनोमिनेटर में x+1 है, देन बी के डिनोमिनेटर में x+1 की होल पावर 2 है, और फिर एडिशन में c x के डिनोमिनेटर में x पावर 2+1 है। तो अब यहां से आपको कैलकुलेशंस करनी है और ए बी सी का वैल्यू डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो ए बी सी का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए यू नीड टू टेक द एलसीएम, है ना, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने का प्रोसेस भी हमने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि भाई यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो इन दोनों में से पावर 2 आएगा, तो पावर 2 आएगा, तो x+1 पावर 2 लिख दिया, साथ में जो रिमेनिंग फैक्टर है वो आएगा, तो x पावर 2+1 आएगा। तीनों टर्म्स को बारी बारी करके वी विल डिवाइड, ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करना है x पावर 2+1 से, सेकंड टर्म में x+1 के होल पावर 2 से, फर्स्ट टर्म में x+1 से, लास्ट टर्म से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये वाली टर्म जब इसको डिवाइड करेगी तो दोनों सेम सेम है कैंसिल, ये रिमेनिंग रहेगा,
तो यहाँ पे एक्स प्लस वन की होल पावर टू नोट करेंगे, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर सेकेंड टर्म में इनको कैंसिल करेगा तो ये रिमेनिंग रहेगा, तो एक्स पावर टू प्लस वन यहाँ पे हम रिमेनिंग लिखेंगे। एंड यहाँ पर एक्स प्लस वन जो है राइट, ये वाला एक्स प्लस वन जो है इस डिग्री टू को कैंसिल कर देगा, तो रिमेनिंग रहेगा जो भी आपके सामने लिखा हुआ है, यानी कि एक्स प्लस वन के साथ में सिंपल सा एक्स पावर टू प्लस वन। ठीक है भाई, एक्स प्लस वन के साथ एक्स पावर टू प्लस वन। अब यहाँ पे वैल्यू ए है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, आगे बी है तो यहाँ पे बी आएगा, फिर उसके आगे सी इंटू एक्स है तो उसको नोट करेंगे। तो ये जो टर्म्स हैं वो आपके न्यूमरेटर का टर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे, इसको रिपीट कर दो, वन के डिनोमिनेटर में सिंपल सा एक्स प्लस में वन होल पावर टू के साथ में एक्स पावर टू प्लस वन की टोटल वैल्यू ए के साथ में, ये पूरी टर्म नोट करनी है, तो ए के साथ में एक्स प्लस वन है और साथ में एक्स पावर टू प्लस वन है, देन बी के साथ में सिंपल सा एक्स पावर टू प्लस वन है और सी इंटू एक्स के साथ में, ठीक है, सी इंटू एक्स के साथ में सिंपल सा एक्स प्लस वन की होल पावर टू है। इन तीनों टर्म्स को वी विल डिवाइड बाय जो मैंने यहाँ पे पहले नोट किया हुआ था, यानी कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर टू प्लस वन। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये आपने एलसीएम बनाया, एलसीएम के टर्म्स को नोट करा, डिनोमिनेटर वैल्यू नोट करी, तो आप इसको यहाँ पे देखिए, कोई डाउट है? आसान है ना, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे टर्म्स बनी है। तो एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर वैल्यू कैंसिल कर देंगे, सो वन के इक्वल टू में ए मल्टीप्लाई बाय एक्स एडिशन वन है, साथ में एक्स पावर टू प्लस वन है, देन बी मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर टू प्लस वन है और सी इंटू एक्स के साथ में एक्स प्लस वन पावर टू है। ठीक है भाई, एक्स प्लस वन पावर टू है, तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे और डिटरमाइन करेंगे हमारे पास ए बी सी की वैल्यू क्या है। ओके, यहां तक आने के बाद आपको मेरे हिसाब से एक छोटा सा डाउट ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पे डी का वैल्यू जीरो है ना, डी का वैल्यू जीरो है तो हमें अपने एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि जब भी नॉन फैक्टर आएगा डी जीरो होगा? तो भाई जब भी नॉन फैक्टर आएगा ना डी जीरो ही होगा, अगर डी का वैल्यू जीरो नहीं हुआ तो ये वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस नोटेशन में चला जाएगा जो आपके सिलेबस में नहीं है, राइट? यानी कि अगर यहाँ पे डी की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो इसका आंसर जो है वो टेन इनवर्स में चला जाएगा, और टेन इनवर्स तो अप्लाइड मैथ्स में नहीं आता। आता है आप मुझे बताओ, टेन इनवर्स आता है? आपको मालूम है टेन इनवर्स, कोज इनवर्स, साइन इनवर्स? नहीं मालूम है ना, तो डेट इज वाई यहाँ पे हमेशा डी का आंसर जीरो रहेगा, यही इसका रीजन है। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि डी के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका आंसर हमेशा टेन इनवर्स की नोटेशन में होता है, डेट इज वाई हमारे पास डी का वैल्यू जीरो रहेगा। ठीक है, आप इस बात को कॉपी में नोट भी कर लेना कि डी जीरो क्यों है, इसलिए है क्योंकि डी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा तो आंसर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जाएगा, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारे एग्जाम में नहीं आती है। डेफिनेटली अगर आप कोर मैथ्स के स्टूडेंट होते तो आपको हम करवाते पूरा डिटेल से कैसे सोल्व होता है, लेकिन अभी के टाइम पर तो आंसर जीरो रहेगा। ठीक है, अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए डी हमेशा जीरो रहेगा। तो यहाँ तक आप अब समझ लो, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, इतना हम इसको इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। चलिए जी, देखिए अब आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए आपको मालूम है अपने माइंड में एक फैक्टर को जीरो करेंगे तो दोनों फैक्टर सेम है, तो एक्स प्लस वन को हम जीरो करेंगे तो हमारे एक्स का वैल्यू जो है माइनस वन हो जाएगा, राइट? एक्स का वैल्यू विल बिकम माइनस वन, तो यहाँ पर हम वैल्यू माइनस वन सब्सिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हमने नोट करा भाई एक्स का वैल्यू माइनस वन है, अगर एक्स का वैल्यू माइनस वन है तो इसका मतलब है जहां पर एक्स प्लस वन की टर्म है वो वैल्यू जीरो है, तो उसे नोट बिल्कुल भी नहीं करना है, वो कैलकुलेशन को इंक्रीज करता है। तो एक तो यहाँ पे एक्स प्लस वन है, एक यहाँ पे एक्स प्लस वन है, तो ये रिमेनिंग है, खाली यहीं पर वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे और राइट सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में वन रहेगा, तो वन के इक्वल टू में इसे नोट करना है, तो बी मल्टीप्लाई बाय माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, साथ में एडिशन वन है, वन प्लस वन करेंगे तो टू होगा, टू के साथ में बी है, यहाँ पे वन है, तो वन का आंसर जो है वो टू बी है, यानी कि यू कैन राइट बी का जो आंसर है ये वन बाय टू है। ठीक है भाई, जो बी का आंसर है कुल मिलाकर के कितना है, वो वन डिवाइडेड बाय टू है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई, माइनस वन हमने वैल्यू फाइंड करा, एक्स प्लस वन की टर्म जीरो हो गई, तो जो रिमेनिंग है वहां से बी का वैल्यू वन बाय टू है। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास अपनी चॉइस है, कोई भी आंसर आप सब्सिट्यूट कर सकते हैं। तो मेरे
लिए तो भाई सबसे आसान जीरो होता है, ठीक है ना, तो एक्स का वैल्यू जीरो सब्सिट्यूट करेंगे, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे वन आंसर रहेगा। तो वन के इक्वल टू में ये ए सेम रहेगा, ठीक है, ए वैल्यू सेम है, ए के साथ मल्टीप्लाई ये हो जाएगा जीरो प्लस वन, ठीक है, जीरो प्लस वन ये वाला आंसर भी हो जाएगा आपके पास जीरो प्लस वन। बी की वैल्यू हमने 1/2 फाइंड करी है, तो उसको नोट कर देंगे भाई, बी का आंसर 1/2 है। 1/2 के साथ में जीरो सब्सिट्यूट करेंगे तो बनेगा जीरो प्लस में वन, और इसके साथ सी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है, सी वैल्यू सेम है, इसके साथ आंसर जीरो है, और यहां पर भी आंसर आएगा जीरो प्लस में वन का होल पावर टू। जरा फोकस करो इस वाले टर्म पे, ठीक है, इस वाले टर्म पे फोकस करो, सी इंटू में जीरो इंटू में जीरो प्लस वन का स्क्वायर। तो भाई जीरो जो है वो मल्टीप्लाई होके टोटल वैल्यू जीरो कर देगा, राइट, टोटल वैल्यू ही हमारे पास यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो लास्ट वाला टर्म इज जीरो, तो लास्ट वाला टर्म जीरो है, तो रिमेनिंग क्या है, तो वन के इक्वल टू में ए मल्टीप्लाई बाय वन है, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय वन है, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो टोटल 1/2 है, और वो वाली टर्म प्रॉपर जीरो है, तो 1/2 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो आंसर बनेगा भाई ए इज इक्वल टू 1 माइनस में 1/2, ठीक है, 1/2 यहाँ पे आ गया, तो 1 माइनस 1/2, यानी कि जो ए का आंसर है ये 1/2 है, ठीक है भाई, जो ए का आंसर है वो कितना है कुल मिलाकर के 1/2 है, तो बी की वैल्यू भी 1/2 है, ए की वैल्यू भी 1/2 है, राइट, हमने -1 सब्सिट्यूट करा 1/2 आंसर है, 0 सब्सिट्यूट करा तो 1/2 आंसर है। अब वैल्यू ऑफ सी डिटरमाइन करने के लिए दोबारा से आपके मन में जो वैल्यू आए उसे सब्सिट्यूट करो, तो हम -1 सब्सिट्यूट कर चुके हैं, 0 सब्सिट्यूट कर चुके हैं, इन दोनों से आसान वैल्यू प्लस का 1 होगा, है ना, -1 यहाँ पर है, +1 अभी तक सब्सिट्यूट नहीं हुआ है, तो +1 इजी आंसर है, तो हम अब +1 सब्सिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई एक्स का वैल्यू +1 वी आर सब्सिट्यूटिंग, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में 1 का 1 रहेगा इक्वल टू, ए की वैल्यू 1/2 है, इसके साथ में एक्स +1 है तो 1 + 1 आएगा, फिर यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 1 है, साथ में एडिंग 1 है, फिर से भाई बी की वैल्यू दोबारा 1/2 है तो बी 1/2 आ गया, ठीक है, फिर x² + 1 है तो 1 + 1 आएगा, और सी का वैल्यू तो हमें डिटरमाइन ही करना है तो सी सेम रहेगा, साथ में एक्स की वैल्यू 1 है, विद इन ब्रैकेट यहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट करना है, तो 1 + 1 का होल पावर 2 आएगा। केयरफुल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आंसर ऑटोमेटिकली बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो भाई 1 के इक्वल टू में 1/2 है, मल्टीप्लाई 1 + 1 2 होता है, 1 + 1 टोटल 2 होता है, एडिंग साइन, 1/2 मल्टीप्लाई 1 + 1 टोटल 2 होता है, एडिंग साइन, सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सी, 1 + 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है, ये वाला 2 इसे कट कर देगा, ये वाला 2 इसे कट कर देगा, तो 1 की वैल्यू जो है वो 2 है, एडिंग में 1 है, और इसके साथ में 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 के साथ सी है, ये 1 और 1 यहाँ पे कैंसिल, ठीक है ना, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं 4c + 2 की वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है, 4c + 2 का टोटल आंसर 1 1 कट हो गया, तो इक्वल टू में 0 है। अब यहाँ से सी फाइंड कर लो, ठीक है, तो सी फाइंड करने के लिए 4c का वैल्यू -2 है, यानी कि सी की वैल्यू -2/4 है, जिसे कट करके -1/2 कर सकते हैं, तो भाई सी का जो आंसर बनेगा कुल मिलाकर के -1/2 बनेगा, तो ए 1/2 है, बी 1/2 है, और सी -1/2 है, तीनों की तीनों टर्म्स को यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट करते हैं, सो हमें पता चला, ठीक है, हमें पता चला है जो 1 के डिनोमिनेटर में x+1 का होल स्क्वायर है, और साथ में x^2+1 है, इसकी वैल्यू ए का आंसर सबसे पहले 1/2 है, तो 1/2 के डिनोमिनेटर में x+1 है, फिर बी का आंसर भी 1/2 है, तो 1/2 के डिनोमिनेटर में आप नोट कर देंगे x+1 का होल स्क्वायर है, फिर सी वैल्यू नेगेटिव है यहाँ पे, तो माइनस करना है 1/2 के डिनोमिनेटर में, अच्छा इसके साथ एक्स भी है, तो 1/2x के डिनोमिनेटर में, सिंपल सा x^2+1, ठीक है, तो इसका वी विल डू द इंटीग्रेशन, और क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है, IBS का मतलब है इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंबल, 1 के डिनोमिनेटर में
एक्स प्लस में 1 की होल पावर 2 के साथ में एक्स पावर 2 प्लस 1 ऑफ डी एक्स इक्वल टू में इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 के डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 ऑफ डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन 1 बाय 2 के डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 की होल पावर 2 ऑफ डी एक्स फिर माइनस में इंटीग्रेशन है 1 बाय 2 के डिनोमिनेटर में एक्स पावर 2 प्लस में 1 और यहाँ पे एक्स है ठीक है भाई 1 बाय 2 एक्स है इसको ध्यान से नोट करिएगा आप ठीक है ऐसे करके 1 बाय 2 एक्स और यहाँ पे ऐसे डी एक्स ठीक है भाई 1 बाय 2 एक्स के साथ में सिंपल सा डी एक्स। अब बिल्कुल केयरफुल इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाय 2 को बेस पे लिख देंगे 1 बाय लीनियर फंक्शन है तो लोगरिथम में कन्वर्ट हो जाएगा तो 1 बाय 2 के साथ में लोगरिथम अंडर मोड एक्स प्लस 1 है यहां पर भी 1 बाय 2 बेस पर आएगा साथ में भाई मैंने आपको सो मेनी टाइम्स बोला है 1 बाय एक्स पावर 2 का इंटीग्रेशन लर्न कर लो माइनस में 1 बाय एक्स होता है ठीक है माइनस में 1 बाय एक्स होता है तो आंसर बन जाएगा माइनस में 1 डिवाइडेड बाय सिंपल सा एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। यहां पर एक काम करेंगे 1 बाय 2 को आगे कर लेंगे और इंटीग्रेशन करना है एक्स के डिनोमिनेटर में एक्स पावर 2 प्लस 1 और यहाँ पे सिंपल सा डी एक्स ठीक है भाई इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो ये बन जाएगा 1 बाय 2 के साथ में लोगेरिदम अंडर मोड एक्स प्लस 1 है फिर प्लस माइनस माइनस 1 के डिनोमिनेटर में 2 के साथ में एक्स प्लस 1 है और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये वाला स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है ठीक है दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। कौन सा स्पेशल टाइप इंटीग्रेशन है तो ये स्पेशल टाइप है आपको याद होगा पहले की वीडियोस में हमने आपको बताया है अगर डेरिवेटिव के डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है ठीक है डेरिवेटिव के डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है तो इसका आंसर लोगरिथम अंडर मोड फंक्शन होता है ठीक है भाई डेरिवेटिव के डिनोमिनेटर में फंक्शन का आंसर लोगरिथम फंक्शन होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप इसका समझें ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपको वैल्यू दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 2 के डिनोमिनेटर में एक्स पावर 3 प्लस में 1 ऑफ डी एक्स तो इसका डेरिवेटिव ठीक है फंक्शन फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव तो इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए एक्स पावर 3 का डेरिवेटिव 3x² होता है और यही 3x² यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये वाली प्रॉपर्टी इसे फॉलो करती है डेरिवेटिव के डिनोमिनेटर में फंक्शन डेरिवेटिव के डिनोमिनेटर में फंक्शन तो आंसर बन जाएगा लोगरिथम अंडर मोड फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 1 एडिशन में सी दिस इज द आंसर ठीक है भाई एक्स क्यूब प्लस में 1 एडिशन में सी इज द आंसर तो वही सेम प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे यूज करना है तो यहाँ पे आपको चेक करना है क्या डेरिवेटिव आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या डेरिवेटिव हमें दिया हुआ है तो आप यहाँ पे करिए डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का एक्स पावर 2 प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा ठीक है भाई डेरिवेटिव कितना आएगा 2x आएगा आपने यहाँ पे ध्यान से देखा भाई 2x नहीं दिया हुआ सिर्फ x दिया हुआ है ठीक है 2x नहीं दिया हुआ सिर्फ और सिर्फ x दिया हुआ है तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर आपको x वैल्यू दे रखी है तो इसके साथ में 2 को मल्टीप्लाई कर लो राइट 2 ही तो नहीं है ना x तो लिखा हुआ है 2 नहीं है 2 मल्टीप्लाई कर लो अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो बस 2 को डिवाइड भी कर देना सो डेट आपस में कट होके इक्वेशन बैलेंस रहे तो हमने यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे ऐसे करके 2 से डिवाइड कर दिया ठीक है भाई रेड वाला पोर्शन मल्टीप्लाई डिवीजन का है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब हम जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कंप्लीट इसके इक्वल आ जाएगा तो इसी को हमें यहाँ पे दोबारा से रीराइट करना है ठीक है तो 1 बाय 2 विल बी माइनस में 1/4 इंटीग्रेशन कर देंगे 2x के डिनोमिनेटर में एक्स पावर 2 प्लस में 1 ऑफ dx का यहाँ पे आप आंसर रिपीट कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय लोगेरिदम अंडर मोड एक्स प्लस 1 माइनस में 1 के डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 माइनस में 1/4 है ठीक है और अब ये वाली प्रॉपर्टी इसे फॉलो करती है तो आंसर बन जाएगा लोगेरिदम अंडर मोड एक्स पावर 2 एडिशन में 1 एडिशन में सी दिस इज द फाइनल आंसर ठीक है भाई दिस इज द फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है बस इसका लास्ट वाला पोर्शन दोबारा से समझ लेना डेरिवेटिव के डिनोमिनेटर में फंक्शन का आंसर लोगरिथम फंक्शन होता है ठीक है भाई सिंपल सी बात है डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर फंक्शन
का आंसर लॉग फंक्शन होता है। तो अगर लॉग फंक्शन प्रॉपर दिया हुआ है तो वेरी वेरी गुड, अगर नहीं दिया हुआ तो मल्टीप्लाई करके बना लेंगे। तो हमने मल्टीप्लाई करके बनाया और क्वेश्चन को सॉल्व करके नोट कर दिया। वेरी 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 सिंपल, राइट। तो जल्दी से स्पीड से अब आप इस सेकेंड पार्ट को नोट करें, सो डैट हम स्पीड से ही आपको फर्स्ट पार्ट करवा सकें। जल्दी से आप इसे नोट कर लें। देखिए भाई, सेवेंथ के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट हो चाहे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो, सिमिलर कंसेप्ट के क्वेश्चन है। तो कंसेप्ट ये कहता है, आप यहाँ पे सबसे पहले न्यूमरेटर में से वैल्यू कॉमन कर लो। भाई कॉमन नजर आता है ना, कॉमन आ रहा है, एक्स वैल्यू कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहला काम है आपका एक्स वैल्यू को कॉमन करने का, ठीक है। तो सोल्यूशन में यू विल राइट, सोल्यूशन में माई डियर स्टूडेंट्स यू विल राइट वी आर टेकिंग कॉमन एक्स। अगर एक्स हम इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं तो रिमेनिंग है एक्स पावर टू माइनस में फाइव। डिनोमिनेटर में है हमारे पास एक्स पावर टू माइनस में नाइन के साथ में एक्स पावर टू प्लस में वन, और यहाँ पे सिंपल सा डी एक्स, ठीक है भाई। अब अगर आप इसको और ध्यान से समझें तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया था, We will substitute the function as t, ऐसे function को t substitute कर लिया जाएगा जिसका derivative या फिर derivative का factor question में present होगा। Whose derivative या फिर factor of derivative is present in the question? तो यहाँ पे अगर हम देखें x power 2 का derivative तो 2x होता है, और 2x में से x जो है वो factor है तो x यहाँ पे present है। तो हिंट हमें मिल गया है x पावर 2 को वी विल सब्स्टिट्यूट टी, राइट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x पावर 2 को टी माना जाएगा। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे, हम तो x पावर 2 को मान रहे हैं टी। अब टी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो डेरिवेटिव, तो 2x का जो आंसर है वो dt के डिनोमिनेटर में dx है। यहाँ पे थोड़ी सी चीज और चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा जो टी है वो एडिशन साइन की तरह लगता है, तो x पावर 2 को हम यहाँ पे y मान रहे हैं, तो dt by dx की जगह पे y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट पे विल बिकम dy by dx, ठीक है भाई। 2x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, dy by dx बन जाएगी। अब यहाँ से आप dx का आंसर फाइंड कर लो क्या है, तो आप कहेंगे सर dx का जो आंसर है ना ये dy के डिनोमिनेटर में 2x है, ठीक है ना। जो dx का आंसर है कुल मिलाकर के dy के डिनोमिनेटर में 2x है। तो हम अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा से नोट करेंगे, सो इंटीग्रेशन है हमारे पास, ठीक है, नहीं ये वाला क्वेश्चन थोड़ी है, ये है ना क्वेश्चन, तो अब ठीक है। तो आप यहाँ पे काम करो, मान लो, ठीक है, आप यहाँ पे मान लो ये वाला i है, ठीक है, i फॉर इंटीग्रेशन दिस, फिर दोबारा यहाँ पे लिख देंगे i फॉर इंटीग्रेशन इक्वल टू, तो ये वाला x रिमेन सेम, फिर इसके साथ में x पावर 2 को हमने माना हुआ है y, ठीक है, यहाँ पे y माना हुआ है, तो y माइनस 5 के डिनोमिनेटर में दोबारा से x पावर 2 है जो कि y है, माइनस में 9 है, और फिर से x पावर 2 है जो कि y है, प्लस में 1 है, और dx की जो आंसर है वो dy के डिनोमिनेटर में सिंपल सा 2x है। तो भाई ये x और x हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है, कैंसिल करने से जो 2 है वो सबसे आगे आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 1/2 है, 1/2 के साथ में y माइनस 5 है डिनोमिनेटर में, y माइनस 9 है और साथ में y प्लस 1 है, यहाँ पे सिंपल सा dy है, ठीक है। तो हमने पूरे इंटीग्रेशन के वेरिएबल्स को चेंज कर दिया, और हमने जब इस पे फोकस करा तो हमने देखा ये तो भैया सिंपल है, y माइनस 9 है, y प्लस 1 है, लीनियर फैक्टर है, सिंपल सिंपल फैक्टर है, तो a और b एज्यूम करेंगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन याद है ना आपको, बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीके से सोल्व होते हैं क्वेश्चन ये वाले, तो आगे फटाफट सोल्व कर देते हैं भाई सिंपल को, है ना, सिंपल को फटाफट सोल्व कर देते हैं। तो वी विल अगेन एज्यूम, ठीक है, हम दोबारा से एज्यूम कर रहे हैं y माइनस 5 के डिनोमिनेटर में जो y माइनस 9 है और साथ में y प्लस 1 है, इसकी टोटल वैल्यू सिंपल सा फैक्टर है, तो सिंपल सा a के डिनोमिनेटर में y माइनस 9, ये भी सिंपल सा फैक्टर है, तो b के डिनोमिनेटर में y प्लस में 1, ठीक है भाई, a के डिनोमिनेटर में y माइनस 9 और b के डिनोमिनेटर में y प्लस में 1। अब इसके बाद इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, बट यहाँ पे ये सेम रहेगा। तो y माइनस 5 है डिनोमिनेटर में, सिंपल सा y माइनस 9 है और साथ में y प्लस में 1 है, इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, a के साथ में y प्लस 1 आएगा और b के साथ में y माइनस 9 आएगा, डिनोमिनेटर में दोनों का मल्टीप्लाई,
जो कि वाई माइनस नाइन एंड वाई प्लस वन है। ठीक है भाई, वाई माइनस नाइन है, वाई प्लस वन है, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो वी हैव रिमेनिंग वाई माइनस फाइव इक्वल टू में ए मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस वन के एडिशन में बी मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस में नाइन। तो इसका वी विल यूज टू फाइंड द ए एंड बी। ठीक है, ए और बी का फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, एंड क्योंकि दोनों फैक्टर सिंपल सिंपल हैं तो दोनों फैक्टर को माइंड में जीरो कर लेंगे। ठीक है, दोनों फैक्टर्स को माइंड में जीरो करेंगे तो यहाँ पे हम वो वाली कैलकुलेशन लिख देते हैं। सबसे पहले वाई माइनस नाइन है, तो वाई माइनस नाइन को अगर जीरो करते हैं तो वाई का वैल्यू नाइन है। तो सबसे पहले हम समझ गए हमें वाई का वैल्यू नाइन सब्सटीट्यूट करना है। वाई का वैल्यू नाइन सब्सटीट्यूट करने का मतलब है जहां पर वाई माइनस नाइन है वो जीरो है, उसे नोट करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको नोट नहीं करना है, सिर्फ इसे नोट करना है और इसे नोट करना है। तो नाइन माइनस फाइव हो जाएगा। ठीक है, नाइन माइनस फाइव इक्वल टू में ए इंटू में नाइन प्लस में वन। ठीक है, यहाँ पे नाइन, यहाँ पे नाइन, नाइन माइनस फाइव नाइन प्लस वन। तो नाइन माइनस फाइव फोर है, नाइन प्लस वन टेन है, साथ में ए है, तो ए का जो आंसर है ये 4/10 है। ठीक है, 10 यहाँ पे डिवाइड हो गया, इसे और कैंसिल करेंगे तो 2/5 है। तो भाई ए का जो आंसर है वो कुल मिला के कितना है, 2/5 है। वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू में 2/5। अब अगर ए का वैल्यू 2/5 है तो बी का वैल्यू क्या है, तो बी वैल्यू के लिए सेकेंड फैक्टर को जीरो करेंगे, वाई प्लस वन को जीरो कर देंगे। तो अगर y प्लस वन को जीरो कर देंगे तो हम यहाँ पे नोट करेंगे y प्लस वन का आंसर जीरो है, तो y का आंसर माइनस वन है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे y का आंसर माइनस वन है। अगर y का आंसर माइनस वन है तो y प्लस वन ये वाली टर्म जीरो रहेगी, इसे सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे तो माइनस वन माइनस फाइव का वैल्यू जो है वो b मल्टीप्लाई माइनस का वन माइनस में नाइन है। माइनस वन माइनस में सिक्स माइनस में सिक्स हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई बाय दिस इज द माइनस टेन, माइनस माइनस कैंसिल, तो सिक्स की वैल्यू जो है वो 10 × b है, यानी बी का जो आंसर है वो 6/10 है। दोबारा टू पे कैंसिल करेंगे तो 3/5 है। ठीक है भाई, बी का वैल्यू कितना है कुल मिलाकर के, 3/5 है। तो ए का आंसर 2/5 है और बी का आंसर कुल मिलाकर के 3/5 है। मुझे नहीं लगता आपको यहाँ तक तो कोई डाउट होगा, सिंपल तो है क्वेश्चन, 1, 2, 3 के जैसा सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, तो है ना। दोनों ए और बी का वैल्यू आ गया, दोनों ए बी की वैल्यू को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे तो आगे हम नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नोट करेंगे, सो जो वाई माइनस फाइव है डिनोमिनेटर में, वाई माइनस नाइन है और इसके साथ में वाई प्लस वन है, इसकी टोटल वैल्यू भाई, ए का आंसर 2/5 है। तो 2/5 के डिनोमिनेटर में वाई माइनस नाइन है एडिशन, बी की वैल्यू 3/5 है डिनोमिनेटर में, वाई प्लस में वन है। ठीक है भाई, ये हमारे पास सिंपल सा इक्वेशन आ गया। अब क्योंकि देखो यहाँ पे 1/2 लगा हुआ है ना आगे, दिस इज द 1/2, तो आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर वन है। तो इस वाली वैल्यू को यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे, रिमेम्बर है ना, प्रेजेंटेशन शुड बी गुड, प्रेजेंटेशन जानदार शानदार होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे नोट करिए सब्सिट्यूट, ठीक है, यानी कि पुट अबव इक्वेशन। ठीक है, ये वाला जो इक्वेशन है, अब पुट अबव इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर वन में सब्सिट्यूट करना है तो बन जाएगा आई इज इक्वल टू 1/2 है, इंटीग्रेशन है। अब इसकी जगह पे ये नोट कर देंगे तो 2/5 है डिनोमिनेटर में, वाई माइनस नाइन है एडिशन में, 3/5 है डिनोमिनेटर में, वाई प्लस वन है, यहाँ पे सिंपल डीवाई है। ठीक है भाई, ये वाला जो पूरा कंप्लीट फ्रैक्शन है इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये है, तो इसको हमने नोट कर दिया। ठीक है, लाइट थोड़ा कम हो गया, आप देख सकते हैं कैमरे में थोड़ा डिम हो गया, तो लाइट थोड़ा कम हो गया है इसलिए डिम हुआ है। ठीक है, चिंता मत करो, अपने आप सही हो जाएगा वो। ठीक है, आइए इसको हम आगे इंटीग्रेट कर देते हैं। सो आई इज इक्वल टू 1/2 विद इन ब्रैकेट वी विल सोल्व, भाई 2/5 तो सेम रहेगा, मल्टीप्लाई बाय लोगारिथम है, अंडर मोड वाई माइनस नाइन है, सिंपल फैक्टर का सिंपल आंसर लोगारिथम वाई माइनस नाइन। ये भी सिंपल है तो इसका भी आंसर लोगारिथम वाई प्लस वन होगा, तो आप यहाँ पे एडिंग कर देंगे, 3/5 है, 3/5 के साथ में लोगारिथम है, अंडर मोड वाई प्लस वन है, ब्रैकेट क्लोज करा और एडिंग सी कर दिया।
ठीक है भाई, ब्रैकेट क्लोज करके एडिंग में सी आ गया। अब 1/2 जो है वो इससे और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान से ठीक है, 1/2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन आप यहाँ पे समझ लो, 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 2/5 से, 2 कैंसिल तो आंसर आया 1/5, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे आंसर है 1/5, तो 1/5 के साथ में लॉगरिथम है अंडर मोड y-9 है, फिर एडिशन 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 को 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3/10, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/10 के साथ में लॉगरिथम अंडर मोड y प्लस में 1 एडिशन c, ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है इन टर्म्स ऑफ y। आपके क्वेश्चन में वेरिएबल x था तो y का वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दो, आंसर हमारा फिनिश हो जाएगा, y का जो आंसर है वो x/2 है, तो आप नोट कर देंगे फाइनल आंसर है i=1/5 के साथ में लॉगरिथम अंडर मोड x/2-9 के एडिशन में, 3/10 के साथ में लॉगरिथम अंडर मोड x/2+1 और साथ में c, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है भाई, यह हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ सारी कहानी आपको समझ आ गई है, फटाफट 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 आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे सो दैट हम क्वेश्चन नंबर 8 कर सकें, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी के जैसा है, सब्स्टिट्यूट करके सिंपल से फैक्टर आएंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है, जल्दी से इसको आप नोट कर लें एकदम। देखिए भाई क्वेश्चन 8 के फर्स्ट में भी देख कर ही समझ आ रहा है, डिनोमिनेटर में जो x/2 है उसका कंप्लीट डेरिवेटिव 2x न्यूमरेटर में लिख के दिया हुआ है, तो सोचना मना है, x/2 को t मानना है, ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे नोट करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, x/2 का वैल्यू t नहीं है y है, ठीक है, आप लोग t लिख सकते हैं, आपको आपकी मतलब कैलकुलेशन में t और +1 जैसा नहीं नजर आता तो आप t नोट कर लो, मेरे मैं जब सॉल्व करता हूं तो पेट बैच के बच्चों का कंप्लेंट रहता है कि सर t और प्लस सेम रहता है, डेट इज मैंने यहाँ पर y लिखा है, ठीक है, x/2 का वैल्यू y है, तो डेरिवेटिव करने पे 2x की वैल्यू जो है वो dy/dx है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे dx का जो आंसर है वो dy के डिनोमिनेटर में सिंपल सा 2x है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे नोट करेंगे भाई, ठीक है, इंटीग्रेशन जो है ये वाला इंटीग्रेशन जो है सबसे पहले 2x है, डिवाइड में आपको x/2 की जगह पे y लिखना है तो y+1 है और साथ में x/2 है जो कि y है, ठीक है, x/2 का वैल्यू जो है y है, y+3 है, ब्रैकेट क्लोज, dx का जो आंसर है वो ये है, तो dy के डिनोमिनेटर में 2x है, आपने देखा 2x 2x कंप्लीट कैंसिल, तो रिमेनिंग रह गया अपने पास 1 के डिनोमिनेटर में सिंपल सा y+1 और साथ में y+3 और यहाँ पे सिंपल सा dy, ठीक है भाई, इसका अपने को इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, और इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आपको देखते ही समझ आ गया भाई ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल फैक्टर है, y+1 है, y+3 है, तो ये बिल्कुल ही सिंपल फैक्टर है। अब अगर ये बिल्कुल ही सिंपल फैक्टर है तो यहाँ पे आप एज्यूम कर लें 1 के डिनोमिनेटर में जो y+1 है और साथ में y+3 है, सबसे सिंपल फैक्टर है y+1, तो हम नोट कर देंगे a के डिनोमिनेटर में y+1, ये भी सिंपल फैक्टर है, तो b के डिनोमिनेटर में y+3, इसको तो सेम रिपीट कर देंगे, 1 के डिनोमिनेटर में y+1 है और साथ में y+3 है इक्वल टू, इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a के साथ में y+3 आएगा, एडिशन b के साथ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो y+1 आएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास y+1 के साथ में y+3 आएगा, ठीक है भाई, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन में वैल्यूज बनेंगी। अब अगर ये वैल्यूज हैं तो डिनोमिनेटर वैल्यू को कट कर देंगे तो बनेगा 1 के इक्वल टू में a मल्टीप्लाई बाय y+3 है, एडिशन में b मल्टीप्लाई बाय y+1 है, इसका हमें यूज करना है और डिटरमाइन करना है a और b का वैल्यू क्या है, तो अपने माइंड में हम सॉल्व करेंगे बारी बारी करके फैक्टर्स को जीरो करेंगे, ठीक है, तो अगर हम इस वाले फैक्टर को जीरो करते हैं तो आंसर बनेगा y=-1, ठीक है,
फिर अगर हम इस वाले फैक्टर को जीरो करते हैं तो आंसर बनेगा वाई इक्वल टू -3। तो इन दो वैल्यूज को सब्सिट्यूट करेंगे, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। -1 सब्सिट्यूट करने का मतलब है वाई प्लस वन जहां पर प्रेजेंट है वो टर्म को नोट नहीं करना बिकॉज वो जीरो है। तो यहाँ पे प्रेजेंट है ये वाला टर्म जीरो रहेगा, यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे तो वी विल राइट 1 का जो आंसर है वो ए इंटू में -1 + 3 है, यानी कि 1 की वैल्यू 2a है और कह सकते हैं a का वैल्यू 1/2 है। ठीक है भाई, a का आंसर कितना है टोटल मिलाकर के 1/2 है। अब -3 सब्सिट्यूट करेंगे तो वाई प्लस थ्री जहाँ पे प्रेजेंट है वो टर्म नोट नहीं करना, यहाँ पे प्रेजेंट है इसे नोट नहीं करेंगे, 1 नोट करेंगे। तो 1 का वैल्यू जो है वो b मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा -3 addition 1, यानी कि आया -2 into b का वैल्यू 1 और कह सकते हैं b की वैल्यू -1/2। ठीक है भाई, तो a है 1/2 और b है -1/2, दोनों वैल्यूज को हम अपनी फ्रैक्शन में सब्सिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे नोट करेंगे सो हमने पता लगाया 1 के डिनोमिनेटर में जो सबसे पहले y प्लस 1 है, इसके बाद में y प्लस 3 है, ये इक्वल है। वैल्यू ऑफ a 1/2 है, डिनोमिनेटर में सिंपल सा y प्लस 1 है, एडिंग साइन, सॉरी एडिंग नहीं आएगा क्योंकि b माइनस है, तो माइनस में 1/2 के डिनोमिनेटर में y प्लस में 3 आएगा। ठीक है, अब इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन बोथ साइड वी विल राइट IBS, इंटीग्रेशन बोथ साइड। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 के डिनोमिनेटर में वाई प्लस में 1 के साथ में वाई प्लस में 3 इंटू में डी वाई का जो आंसर है वो इंटीग्रेशन 1/2 / y + 1 dy है, माइनस में इंटीग्रेशन 1/2 के डिनोमिनेटर में y + 3 dy है। ठीक है भाई, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सिंपल सिंपल फैक्टर हैं, सिंपल सिंपल फैक्टर के आंसर लॉगरिथम में जाते हैं, तो यू विल राइट हेयर आंसर 1/2 × log अंडर मोड y + 1 माइनस में 1/2 log अंडर मोड y + 3 और एडिंग सी। अब यहाँ पे आपको लॉग एम और लॉग एन का प्रॉपर्टी यूज करना है, सेम कोफिशियंट है तो माइनस दिया हुआ है तो m/n, माइनस के केस में डिवाइड होता है m/n, जो प्लस वाली टर्म है ऊपर माइनस वाली टर्म है नीचे, तो आप इसे नोट कर देंगे 1/2 के साथ में लोगैरिथम अंडर मोड y+1 के डिनोमिनेटर में y+3 मोड क्लोज एडिंग सी। ठीक है, यहाँ पे इसको सेम रिपीट करेंगे, यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, 1 के डिनोमिनेटर में y प्लस में 1 है और साथ में y प्लस में 3 है, यहाँ पे सिंपल dy है, तो ये जो आंसर है वो हमारा y टर्म्स में है। क्वेश्चन हमें x टर्म में दिया हुआ था तो यहाँ पे आप x वाली वैल्यू नोट कर दो, 1/2 × log। ठीक है, 1/2 × log अंडर मोड y का वैल्यू x/2 है, एडिंग 1 आ जाएगा, डिवाइड में y का वैल्यू x/2 है, एडिंग 3 हो जाएगा, मोड क्लोज कर देंगे, एडिंग c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, वेरी 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 सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल। जल्दी से आप इस सिंपल से क्वेश्चन को नोट करें सो डैट हम 8th का सेकंड आपको फटाफट से करवा सकें। राइट डाउन फास्ट। देखिए जी, क्वेश्चन 8 में भी हमें देखकर ही समझ आता है x/3 का जो डेरिवेटिव है 3x/2 होता है, उसमें 3 मेंशन नहीं है, यानी कि इसमें आपको फैक्टर लिख के दिया हुआ है, कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बस हिंट चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो x/3 को वी विल सब्सिट्यूट t। ठीक है भाई, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले नोट करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में हम नोट करेंगे इसका आंसर आई है, तो आई इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन है x/2 के डिनोमिनेटर में विद इन ब्रैकेट 1 + x/3 के साथ में 2 + x/3 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे dx। फिर हम x/3 को सब्सिट्यूट करने जा रहे हैं y, तो x/3 का डेरिवेटिव है 3x/2, dy का डेरिवेटिव dy के डिनोमिनेटर में dx, इसका मतलब है dx का जो आंसर है वो dy के डिनोमिनेटर में 3 × x/2 है। ठीक है भाई, जो dx का आंसर है वो dy के डिनोमिनेटर में 3x/2 है, तो वापस अब यहाँ पे हम नोट करेंगे i का जो आंसर है वो इंटीग्रेशन बनेगा, x/2 को अभी सेम रहने देंगे, डिनोमिनेटर में विद इन ब्रैकेट 1 के एडिशन में y आएगा एंड 2 के एडिशन में y आएगा। ठीक है, x/3 x + 3 की जगह y आ गया, 1 और 2 सेम है। नाउ साथ में dx का जो आंसर है वो dy के डिनोमिनेटर में सिंपल सा 3 × x/2 है,
तो एक्स पावर टू, एक्स पावर टू कैंसिल, जो थ्री है सबसे आगे आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 1/3 है। इसके साथ में 1 के डिनोमिनेटर में सबसे पहले तो 1+y है, और इसके साथ में 2+y है, और यहाँ पे सिंपल सा dy है। ठीक है, अभी 1+y है, 2+y है, और सिंपल सा साथ में dy है। बिल्कुल ध्यान से देखें तो सिंपल से फैक्टर हैं, और सिंपल से फैक्टर के आंसर भी सिंपल होते हैं। तो बस आगे फटाफट से पार्शियल फ्रैक्शन कंसिडर कर लो आप, राइट? फटाफट से पार्शियल फ्रैक्शन कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हम नोट करेंगे, एज्यूम कर रहे हैं 1/ जो 1+ में वाई है और साथ में 2+ में वाई है, इसकी वैल्यू में ये सिंपल सा फैक्टर है। तो ए के डिनोमिनेटर में 1+y है, ये भी सिंपल फैक्टर है। तो बी के डिनोमिनेटर में 2+ में वाई है, ठीक है? ये तो बिल्कुल सेम आप यहाँ पे रिपीट करेंगे, तो 1 के डिनोमिनेटर में 1+y है और साथ में 2+y है इक्वल टू, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए के साथ में 2+y है एडिंग, इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी के साथ में 1+y है डिनोमिनेटर में दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1+y है और साथ में 2+ में वाई है। ठीक है, 1+y है, 2+y है, डिनोमिनेटर को कैंसिल करने पर अपने पास आंसर बनेगा, 1 का वैल्यू है ए इंटू में 2+ में वाई के एडिशन में बी इंटू में 1+ में वाई। ठीक है, 7 नहीं है, 1 है ये वाला आंसर, तो b इंटू में 1 के एडिशन में y। तो हमें अब इसको यूज करना है और चेक करना है a और b की वैल्यू क्या है। ठीक है, वट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो फटाफट तेजी में स्पीड में इसको सॉल्व करेंगे, स्पीड में फटाफट सॉल्व करेंगे, तो हम अपने माइंड में ही दोनों फैक्टर को बारी बारी करके जीरो करेंगे। अगर इसको जीरो करते हैं तो y विल बी -1, इसको जीरो करते हैं तो y विल बी -2। अगर अभी तक आपको माइंड में करना नहीं आया तो फिर वही है, यहाँ पे कहीं पे आजू बाजू में सॉल्व करके देख लो। ठीक है, यहाँ पे करके देख लो भाई, 1+ में वाई को अगर हम जीरो करते हैं तो वाई का वैल्यू -1 है, सेकंड केस में 2+y को अगर जीरो करते हैं तो वाई का आंसर -2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है वाई इक्वल टू -1, और यहाँ पे लिखना है वाई इक्वल टू -2। जब -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जहां पे 1+y है उसे बिल्कुल भी नोट नहीं करेंगे क्योंकि वो जीरो है, तो ये वाली टर्म जीरो है इसे नोट करेंगे, तो बनेगा 1 की वैल्यू जो है वो a इंटू में 2-1 है, y -1 है ना, तो 2-1 है, तो 1 की वैल्यू जो है वो a इंटू में 1 है, यानी कि जो a का आंसर है वो 1 है। ठीक है भाई, a का आंसर कितना है, 1 है। सिमिलर केस में b वैल्यू, तो ये तो 1 रहेगा इक्वल टू, -2 सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है 2+y वाला टर्म जीरो है, उसे नोट नहीं करना है, तो इसे नोट नहीं करेंगे, इसे नोट करेंगे, तो 1 की वैल्यू है b इंटू में 1-2, यानी कि 1 की वैल्यू -b है, तो कह सकते हैं b का वैल्यू -1 है। ठीक है भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, तो b इज इक्वल टू -1, तो a वैल्यू 1 है, b वैल्यू -1 है, दोनों वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वी विल राइट, यहाँ पर वी विल राइट, सो हमने पता लगाया 1 के डिनोमिनेटर में अगर 1+ में वाई होगा और साथ में 2+ y होगा, तो इनका जो आंसर है a 1 है डिवाइड में 1+ y रहेगा, b -1 है डिवाइडेड बाय 2+ में y रहेगा। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बोथ साइड नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आगे 1/3 का कोफिशियंट है, तो अगर ये 1/3 का कोफिशियंट है तो मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 में इस एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो नोट कर देंगे भाई, सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं अबव एक्सप्रेशन। ठीक है, पुट अबव एक्सप्रेशन, जो हमने एक्सप्रेशन नोट किया हुआ है, पुट अबव एक्सप्रेशन, ठीक है, अबव एक्सप्रेशन इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है आई इज इक्वल टू में 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, 1/3 इंटीग्रेशन, तो इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो इसके इक्वल है, तो 1/(1+y) के माइनस में 1/(2+ में वाई, और यहाँ पे सिंपल सा डी वाई। ठीक है ना, बिल्कुल डायरेक्ट इंटीग्रेशन सिंबल आ गए हैं, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो वैल्यू आई इज इक्वल टू 1/3 है। ठीक है, 1/3 के साथ में ब्रैकेट में नोट करेंगे, दिस इज द लोगैरिथम अंडर मोड 1+y माइनस में लोगैरिथम अंडर मोड 2 एडिशन में y, मोड क्लोज ब्रैकेट क्लोज एडिंग c। ठीक है भाई,
लोगरिथम का कोफिशियंट सेम है, कोफिशियंट सेम के केस में आपको ध्यान रखना है माइनस प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। माइनस प्रॉपर्टी कहती है आप इसको डिवाइड कर दो, तो आई इज इक्वल टू 1/3 के साथ में लोगरिथम अंडर मोड 1+ में y है, डिनोमिनेटर में 2+ में y है, ब्रैकेट क्लोज एडिंग c, y का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, आंसर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो y का जो वैल्यू है x/3 है, तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय लोगैरिथम अंडर मोड 1+ x/3 के डिनोमिनेटर में 2+ में x/3 मोड क्लोज एडिंग c, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। आई एम डेफिनेटली श्योर आपको फर्स्ट और सेकंड, इवन सेवेंथ का फर्स्ट भी समझ आ गया होगा। तीनों के तीनों सेम कंसेप्ट के क्वेश्चन थे। आइडेंटिफाई करो कि इसका डेरिवेटिव ऊपर है या फिर फैक्टर ऊपर लिखा हुआ है, तो सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। फटाफट आप लोग इस 8th का सेकंड नोट करें, फिर फटाफट हम आपको 9th क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, जल्दी से आप इसे पहले नोट कर लें। भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, वो दोनों सेम कंसेप्ट के क्वेश्चन हैं, तो उन दोनों को हम अगली क्लास में करेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 करवाऊंगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट है वो बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट है बिल्कुल ऐसा है, जो चेंजेस हैं आइए मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पहले आप चेंज कर लो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट, तो यहाँ पे आपको वैल्यू लिख करके दिया हुआ है सिंपल सा ex, और यहाँ पे भी आपको नोट करके दिया हुआ है सिंपल सा ex, और इधर भी आपको नोट करके दिया हुआ है सिंपल सा ex। ठीक है भाई, अब आपको चेक करना है भाई ex का डेरिवेटिव तो ex होता है, तो कंप्लीट डेरिवेटिव आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसे रिप्लेस कर देंगे। भैया ये ex है, क्वेश्चन को ही वी आर राइटिंग। ठीक है, यहाँ पे भी ex है और यहाँ पर भी ये वाला क्वेश्चन ex है, तो ex का डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो हम ex को t सब्सिट्यूट यानी कि y सब्सिट्यूट करेंगे, तो ex का डेरिवेटिव विल बिकम ओनली एंड ओनली ex। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सिंपल सा dy/ex आएगा। ठीक है, यहाँ पे x/2 की जगह पे ऊपर से कॉपी करेंगे ex। ठीक है, ये वाला ex कॉपी करा, यहाँ पे yy सब्सिट्यूट करा, और ये वाला पोर्शन जो है ये भी यहाँ पे सिंपल सा ex हो जाएगा। ठीक है, dx का जो आंसर है dy/ex है, तो यहाँ पे अब आप ex और ex कैंसिल करोगे, बस ये 1/3 यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है भाई, ex और ex कैंसिल करेंगे और 1/3 को रिमूव करेंगे, तो सिंपल इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये सिंपल इस तरीके से सोल्व होगा, तो ये वाली जो पार्शियल फ्रैक्शन है यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सारी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होगी, सारी कैलकुलेशन सेम होगी। फिर हम यहाँ पे इसको ऐसे नोट करेंगे, इक्वेशन 1 में सब्सिट्यूट करेंगे, बस 1/3 को रिमूव कर देंगे। ठीक है भाई, 1/3 को हर जगह से रिमूव करेंगे, तो बिल्कुल ऐसे 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 सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, बस लास्ट में वाई का जो आंसर है ना, उसकी जगह पे आपको ई एक्स नोट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1+ में ई एक्स, और यहाँ पे भी आ जाएगा 2+ में ई एक्स, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। माई डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड को ही हमने कन्वर्ट कर दिया है क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट, एंड ट्रस्ट मी, जब आप इस क्वेश्चन को अपने आप से करके देखेंगे तो 100% आप कर पाएंगे। भाई हमने आपको समझाया तो था, क्वेश्चन 8 का सेकंड आपको समझाया तो था, जो चेंजेस हुए मैंने कर दिए, क्वेश्चन खत्म हो गया। फटाफट से आप क्वेश्चन 11 का फर्स्ट भी नोट कर लें, फिर आपको करवाते हैं क्वेश्चन 11 का सेकंड, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, जल्दी से आप इसको एक बार नोटिंग कर लें। देखिए भाई, क्वेश्चन 11 का जो सेकंड है ना, ये क्वेश्चन देखकर आपको 100% ध्यान आना चाहिए, 1000% आपको याद आना चाहिए। मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जो एक्सरसाइज नंबर 7.4 में था। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो कुछ ऐसा ऐसा ही था, तो इस वाले क्वेश्चन को हम 7.4 की तरह सॉल्व करेंगे। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, क्वेश्चन तो पार्शियल फ्रैक्शन में दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व करेंगे 7.4 एक्सरसाइज यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से। भाई मेरी क्या गलती है, आप मुझे बताइए मेरी क्या मिस्टेक है, क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है तो इसमें सॉल्व तो करेंगे,
लेकिन जो मेथड से सोल्व होना चाहिए उसी मेथड से तो सोल्व करेंगे ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले इस ई एक्स को नेगेटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? इस ई टू एक्स को नेगेटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे तो नोट करेंगे इंटीग्रेशन है 1 के डिनोमिनेटर में, ये वाली टर्म बन जाएगी 1 के डिनोमिनेटर में ई माइनस में 2x और एडिशन में 1 और यहाँ पे सिंपल डी एक्स। ई माइनस 2x का वी विल टेक द एलसीएम, तो 1 के डिनोमिनेटर में एलसीएम का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 के एडिशन में ई नेगेटिव 2x है, डिनोमिनेटर में ई नेगेटिव 2x है और यहाँ पे डी एक्स है। ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आंसर है इंटीग्रेशन ऑफ ई माइनस 2x के डिनोमिनेटर में 1 प्लस में ई माइनस 2x और यहाँ पे सिंपल सा dx। अब आगे की कहानी तो आपको मालूम ही है, डिनोमिनेटर को वी विल सब्सिट्यूट t, ठीक है भाई? डिनोमिनेटर को वी विल सब्सिट्यूट t, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे वी आर सब्सिट्यूटिंग 1 के एडिशन में ई नेगेटिव 2x का जो आंसर है वो t है। 1 का डेरिवेटिव 0 है, प्लस सेम रहेगा, एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव माइनस 2x रहेगा और माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 आएगा बिकॉज ऑफ चेन रूल, और t का डेरिवेटिव dt के डिनोमिनेटर में dx आएगा। प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस में 2 इंटू में e नेगेटिव 2x की वैल्यू जो है वो dt के डिनोमिनेटर में dx है। तो यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को चेंज नहीं, क्वेश्चन को चेंज क्यों करेंगे, dx का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो dx का वैल्यू जो है देखो इस वाले माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो माइनस ऑफ dt रहेगा, डिनोमिनेटर में 2 और ex आएगा, तो 2 के साथ में e नेगेटिव 2x आ गया। सो दिस इज द रिप्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ dx, ठीक है भाई? ये हमारे क्वेश्चन का रिप्लेसमेंट इक्वेशन है, dx की जगह पे इसे नोट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे सो इंटीग्रेशन ऑफ ई नेगेटिव 2x के डिनोमिनेटर में ये कंप्लीट वैल्यू t है, मल्टीप्लाई बाय विद इन ब्रैकेट dx की वैल्यू ये वाली है, तो ब्रैकेट में नोट कर देंगे माइनस में dt है, डिनोमिनेटर में 2 इंटू में ई नेगेटिव 2x है, ब्रैकेट क्लोज। ये ई नेगेटिव 2x और ई नेगेटिव 2x कैंसिल हो गया, जो 2 है वो सबसे आगे आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में 2 रहेगा, माइनस को भी आगे लेके आएंगे तो 1 यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन होगा 1/t का, ठीक है भाई? 1/t dt हमें सॉल्व करना है, तो 1/t तो log t होता है, यस और नो? 1/t तो log t होता है, तो माइनस 1/2 है और साथ में लॉगरिथम अंडर मोड t है, एडिशन c है, दिस इज द आंसर इन टर्म्स ऑफ t। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? t का वैल्यू क्या है? तो t का वैल्यू 1 प्लस में e माइनस 2x है, तो आगे नोट कर देंगे माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय लोगैरिथम अंडर मोड, इट इज 1 प्लस में ई नेगेटिव 2x, ब्रैकेट क्लोज, एडिंग सी, ठीक है भाई? ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बट क्योंकि हमें फाइनल यानी कि ओरिजिनल वाला क्वेश्चन प्लस वाली टर्म्स में दिया हुआ था, तो इसको वापस प्लस वाली टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे बाय रिवर्सिंग द ई माइनस 2x, बेसिकली रेसिप्रोकल करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे आप इसे नोट करेंगे, ये है माइनस 1/2 के साथ में लॉगरिदम अंडर मोड ऑफ 1 के एडिशन में 1 डिवाइडेड बाय ई 2x, ठीक है भाई? 1 के डिनोमिनेटर में ई 2x और यहाँ पे एडिंग सी। आगे आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर दें, ठीक है? ई 2x को यहाँ पे एलसीएम करवाएंगे तो ई 2x प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1/2 के साथ में लॉगरिदम है अंडर मोड पे ई 2x एडिशन 1 है, डिनोमिनेटर में ई 2x है, मोड क्लोज, एडिंग सी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है भाई? ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है। अब आप में से काफी सारे बच्चे कह रहे हैं सर क्यों हमसे मजाक करते हो, ये आंसर कहाँ है, ये आंसर कहाँ है? सर हमारी बुक में तो आंसर दिया हुआ है, उसमें ये रेसिप्रोकल हो रखा है और आगे प्लस का साइन है। माई फ्रेंड्स, इसका मतलब उन्होंने लोगारिदम के नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया हुआ है। लेकिन यू टेल मी, आप मुझे एक बात बताइए, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको सपने आएंगे कि इसको प्लस में कन्वर्ट करना है? बताइए आप मेरे को, आपको सपने आएंगे कि भैया इसे प्लस में कन्वर्ट करना है? तो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये आंसर 1000% करेक्ट है, बट अकॉर्डिंग टू यूर बुक, क्योंकि उसमें माइनस को रिवर्स किया हुआ है, तो आइए उसको हम रिवर्स कर देते हैं, ठीक है?
रिवर्स कैसे करेंगे, माइनस लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास में। इसको ऐसे और करके लिख लो, ठीक है, और करके लिख लो, माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे प्लस हो जाएगी, साथ में लॉगरिथम सेम रहेगा, बस कंडीशन ये है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल बनेगा इसका e2x के डिनोमिनेटर में, सिंपल सा e2x एडिशन 1 मोड क्लोज एडिंग c, ठीक है भाई, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। माइनस विल बिकम प्लस, प्लस विल बिकम माइनस, जैसे क्वेश्चन की डिमांड है वैसे कर लो, बस एक सिंपल सा कंडीशन फॉलो कर लेना, लॉगरिथम के जो मेन फंक्शन पे लिखा हुआ होगा उसको रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल करा, आपको भी रेसिप्रोकल करना है, तो आपकी बुक में ये आंसर लिखा है, सीबीएसई बोर्ड में ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो क्वेश्चन 11 भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिस इज द लास्ट पार्ट, तो बाकी के क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो में करवाएंगे, और 100% कोशिश करेंगे अगली वीडियो में ही कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाए, ठीक है गाइस। तो अगली क्लास में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।